धक धक गर्ल कही जाने वाली एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की हर अदा उनके फैंस को कायल कर देती है। अपनी खूबसूरती से, अपनी एक्टिंग से और अपने शानदार डांसिंग मूव्स की वजह से इस डांसिंग डीवा ने सिने प्रेमियों के दिलों में ऐसी जगह बनाई है जिसके बाद उनकी आज भी एक लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग है जो कि करती है उनसे ढेर सारा प्यार। और इन्हीं सब की वजह से माधुरी दीक्षित का नाम हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल है। उनकी रियल लाइफ यानी कि उनके फिल्मी करियर को छोड़कर इस खास रिपोर्ट में हम आपसे धक धक गर्ल की बढ़ती हुई उम्र में खूबसूरती का कैसा हुआ है हाल, इसी बारे में बात करने वाले हैं। माधुरी की खूबसूरती की चर्चा हर बार और हमेशा से ही होती रही है, लेकिन एक बार उनकी ऐसी हालत को मीडिया के कैमरों ने कैप्चर किया था जिसके बाद माधुरी की बिगड़ी हालत को लेकर कई खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी थी। इन तस्वीरों को आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आप देख रहे हैं ना किस तरह हमेशा सजी धजी दिखाई देने वाली माधुरी ने इस दौरान किसी तरह का कोई मेकअप नहीं किया है। इसी वजह से वो काफी अलग दिखाई दे रही हैं। साथ ही उनकी असली उम्र का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। बता दें इस मौके पर माधुरी ने जब मीडिया फोटोग्राफर्स को देखा तो वो अपना चेहरा छुपाने लगी। माधुरी की ये हरकत भी मीडिया के कैमरों में कैप्चर हो गई। ये सभी तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो माधुरी के बुढ़ापे को लेकर कई तरह की बातें सामने आने लगी। हालांकि अब माधुरी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो तस्वीरें शेयर करती हैं, उनमें उनकी खूबसूरती का लेवल बढ़ा हुआ दिखता है। जिस ट्रेलर का सभी को बेसब्री से इंतजार था वो फाइनली रिलीज हो चुका है। दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर की बहुचर्चित फिल्म पद्मावती जिसका ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है। ये ट्रेलर इतना शानदार है कि इसे आप बिना पल के झपकाए देखेंगे। संजय लीला भंसाली की फिल्म कितनी शानदार होगी इसका अंदाजा इस ट्रेलर को देखकर बखूबी लगाया जा सकता है। दीपिका पादुकोण को रानी पद्मावती किरदार में देखना मजेदार तो है ही, लेकिन रणवीर सिंह यहाँ बाजी मारते नजर आ रहे हैं। बैडमैन लुक में अलाउद्दीन खिलजी के रोल में रणवीर का अंदाज काबिले तारीफ है। ट्रेलर में एक भी शब्द नहीं बोलने वाले रणवीर का लुक ही बहुत कुछ बोल गया है। ट्रेलर की शुरुआत में दीपिका पादुकोण की एंट्री दिखाई गई है। रानी पद्मावती के लुक में दीपिका का राजपुताना अंदाज बेमिसाल है। शाहिद कपूर भी एक सभ्य और शालीन राजा के लुक में अपने किरदार राजा रावल रत्न सिंह के साथ न्याय करते नजर आ रहे हैं। और अब बात करते हैं रणवीर की। जितना क्रेज पद्मावती के किरदार में दीपिका को देखने के लिए था, अब उससे कहीं ज्यादा क्रेज रणवीर सिंह को इस फिल्म में देखने के लिए होगा। ट्रेलर में रणवीर का ऐसा अंदाज, लुक और अपीयरेंस पहले कभी किसी फिल्म में देखने को नहीं मिला। जिस दीवानगी और हैवानियत के साथ उनके किरदार को पेश किया गया है वो किरदार जहन से जल्दी बाहर नहीं निकल सकता। जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत, राजपुताना के शौर्य की गाथा के साथ शुरू होता है ट्रेलर का पहला डायलॉग जो राजा रत्न सिंह के किरदार में शाहिद कपूर बोलते नजर आ रहे हैं। इस ट्रेलर में सिर्फ दो ही डायलॉग हैं, पहला शाहिद का और दूसरा दीपिका पादुकोण का। दीपिका राजपुताना महारानी के अंदाज में कहती नजर आ रही हैं, राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपुतानी तलवार में। दोनों किरदारों के तेवर का अंदाजा इन डायलॉग से लगाया जा सकता है। शाहिद और दीपिका की पहली बार ऑन स्क्रीन रोमांटिक केमिस्ट्री शानदार नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर फिल्म पद्मावती के ट्रेलर रिलीज को लेकर मेकर्स ने जानकारी शेयर की थी। ट्विटर पर शेयर किए गए पोस्ट के मुताबिक पद्मावती का ट्रेलर 9 अक्टूबर दोपहर 13:03 पर रिलीज होने की जानकारी थी। ट्रेलर रिलीज का ये समय रखे जाने के पीछे एक खास वजह है। वजह ये है 1303 ईस्वी की तारीख राजा रत्न सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुई लड़ाई की गवाह है। कहानी की इस खास घटना को जिस क्रिएटिव अंदाज से ट्रेलर जारी करने के समय के साथ जोड़ा गया, वैसे ही जारी हुए ट्रेलर्स में स्टार्स की केमिस्ट्री भी रोचक नजर आ रही है। रानी पद्मावती की जिंदगी पर बेस्ड ये फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज हो रही है। बिग बॉस 11 से बाहर हुए शो के कंटेस्टेंट जुबैर खान ने मुंबई में सलमान के खिलाफ धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया है कि सलमान ने उन्हें कुत्ता कहा और धमकी दी। जानकारी के मुताबिक एंटॉप हिल पुलिस थाने में जुबैर खान ने शिकायत दर्ज कराई है।
बताया जा रहा है कि आंटॉप हिल पुलिस ने इस शिकायत को लोनावला पुलिस को दिया है। शिकायत के बाद अब पुलिस मामले की जांच में जुटेगी। अगर जांच में आरोप सही मिलते हैं तो सलमान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गौरतलब है कि शनिवार को शो के वीकेंड में जुबैर खान को सलमान खान ने जमकर लताड़ लगाई थी। दरअसल जुबैर खान ने बिग बॉस के घर में जबरदस्त गालियां दी थी, इसलिए सलमान ने आते ही उनकी जमकर क्लास ली। सलमान ने ये भी खुलासा किया कि जुबैर दाऊद का रिश्तेदार नहीं है, वो झूठे दावे कर लोगों को डराता है। वहीं जबरदस्त फटकार के बाद जुबैर खान इतने निराश हो गए कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा दवाइयां खा ली, जिसके कारण उनकी हालत बिगड़ गई। देखिए जुबैर खान का शिकायत पत्र। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।